गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आज प्रैक्टिकल के क्लास में नेस्टेड स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको इनिशियलाइज भी करके देखेंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आओ लैब्स, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो हैशटैग इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन IOStream डॉट h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, हैशटैग इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन CONIOConio डॉट h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्ट, अब नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। तो फिलहाल अभी छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको बड़ा स्ट्रक्चर में डाल देंगे, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर एक बना रहे हैं, एड्रेस, इसके अंदर INT, हाउस नंबर, ये जो हाउस है किस सिटी में आता है, किस एरिया में आता है, और ये जो हाउस है ये जो उसका क्या पिन कोड है। एक स्ट्रक्चर बना, एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ, INT डेट एक साथ भी ले सकते हैं, मंथ ईयर। अब एक और स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके अंदर जो डिफाइन कर रहे हैं INT रोल नंबर, कैर नेम, अब यहाँ पे एड्रेस, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं एड्रेस, इसको डाल दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो एड्रेस ADDS और एड, और एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना रहे हैं, बनाए थे क्या, डेट ऑफ बर्थ, इसको भी नेस्टेड कर दे रहे हैं, इसको फिर इसी स्टूडेंट के अंदर क्या कर दे रहे हैं, नेस्टेड। DOP क्लियर है। अब यहाँ सेमी कोलन देना है। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आ चुका है। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर था, ये जो एड्रेस और ये जो डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर डाल दिए। देख लीजिए, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ किस स्ट्रक्चर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। तो मेन जो स्ट्रक्चर कौन हो गया, स्टूडेंट। अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन वॉइड मेन CLR SCR, तो स्टूडेंट किसका डिटेल इंटर करना है, स्टूडेंट कौन है, जड़, जड़ का डिटेल को क्या करना है, इंटर करना है। तो पहले हम इनिशियलाइज करके दिखा रहे हैं, फिर हम लोग वन बाय वन ले सकते हैं। तो इनिशियलाइज करना है, तो करना क्या है, इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या इनिशियलाइज करना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर कितना लिए, 5, कॉमा नेम लेना है, क्या लिए, राहुल। क्लियर है। अब क्या लेना है, एड्रेस,
ये लाइन, और ये जो लाइन है ये खुद एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर क्या क्या है, हाउस नंबर, सिटी, एरिया, पिन कोड। तो जब ये खुद स्ट्रक्चर है तो खुद एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर जैसे इसको डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को एक यहाँ उस स्ट्रक्चर का डेटा लेने के लिए पहले क्या हुआ है उसमें, हाउस नंबर, हाउस नंबर कितना ले लिए, 5। फिर उसके बाद क्या है, सिटी, तो सिटी क्या है, हजारीबाग। एरिया, तो एरिया किस एरिया में आता है, मटवारी, जहाँ करेक्ट है वहाँ इन्वर्टेड कॉमा। पिन कोड, तो पिन कोड क्या है, 8253 01। ये किसका हो गया, एड्रेस का। अब उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो पहले क्या लेना है, डेट। तो डेट मान लेते हैं जो राहुल है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 7 कोमा, मंथ क्या है, जनवरी, और ईयर क्या है, 2000, और ये खुला सो बंद किए, ये जो शुरुआत में खोले थे यहाँ पे, इसका जो खुला सो यहाँ बंद हो गया यहाँ पे, और इसका जो खुला सो यहाँ पे बंद हुआ, और एक और ये है जो शुरुआत में खोले थे। अब ये इनिशियलाइज कर चुके हैं, इसको सिर्फ क्या करना, आउटपुट करना है, तो सी आउट, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, से आउट। अब कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाना है, रोल नंबर, तो जेड डॉट रोल नंबर, स्पेस कम कारण के कारण क्या, एक ही लाइन में दिखा रहे हैं, आप चाहे तो नीचे लाइन करके दिखा सकते थे। क्या है, नेम, तो जेड डॉट नेम, तो आप चाहे तो हम एक ही लाइन में दिखाएं, आप चाहे तो अलग अलग लाइन में दिखा सकते हैं। जैसे अलग अलग लाइन कैसे करना है आपको, यहाँ पे इसको सेमी कोलन लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, सी आउट, इस तरह से क्या नेक्स्ट लाइन आ गया। तो एक ही लाइन में भी दिखा सकते हैं, सेपरेट लाइन में दिखा सकते हैं, सी आउट एड्रेस, अब एड्रेस में जेड डॉट, अब गौर कीजिए, जेड डॉट हम लोग रोल नंबर लिखते हैं, तो जेड डॉट यहाँ पे जिस तरह रोल नंबर, जेड डॉट रोल नंबर, जेड डॉट नेम, तो जेड डॉट एड, अब एड लिखने से क्या, ये एड लिखने से क्या ये हाउस नंबर और सिटी एरिया पिन कोड आ जाता है क्या, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो जेड डॉट एड डॉट हाउस नंबर, फिर जेड डॉट एड डॉट सिटी, जेड डॉट एड डॉट एरिया, तब मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर का यूज आ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर जेड डॉट एड आया, अब एड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर जो ऊपर बना है उसके अंदर फिर क्या है, हाउस नंबर, उसी तरह से थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एड्रेस हो गया, हाउस नंबर हो गया, फिर उसी तरह से जेड डॉट एड डॉट, हाउस नंबर के बाद क्या है, एरिया, सॉरी क्या है, सिटी, फिर स्पेस जेड डॉट एड डॉट एरिया, जेड डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, अब उसी तरह से फिर से सी आउट डेट ऑफ बर्थ,
जेड डॉट डी ओ बी, अब जेड डॉट डी ओ बी तो कर दिए, लेकिन इसके अंदर भी क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें डेट है, फिर मंथ है, फिर क्या ईयर, तो इसको सेपरेट सेपरेट लेना भी है, मतलब दिखाना है, क्योंकि हम यहाँ पे देख लीजिए डेट लिए थे, ईयर सॉरी डेट मंथ और क्या ईयर, उसी तरह से यहाँ पे सबको क्या करना है, सेपरेट दिखाना है, तो जेड डॉट डी ओ बी डॉट डेट, जेड डॉट डी ओ बी डॉट मंथ, जेड डॉट डी ओ बी डॉट ईयर, तो ये जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है लेकिन साथ ही साथ इसको क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर का डेटा को भी हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करके भी हम वर्क कर रहे हैं, तो एफ नाइन, तो क्या हो गया सक्सेस। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेस डिफाइन किए, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डिफाइन किए, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या डिफाइन किया, स्टूडेंट, जिसमें क्या है एड्रेस को भी डाल दिया, और क्या डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, मेन जो स्ट्रक्चर कौन है, स्टूडेंट, मेन जो स्ट्रक्चर कौन है, स्टूडेंट, आप यहाँ स्पेस दे करके भी बना सकते हैं लाइन तोड़ करके, तो स्टूडेंट कौन है, जड, तो रोल नंबर लिए, नेम लिए, उसके बाद एड्रेस में हाउस नंबर, सिटी, एरिया और पिन कोड, उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में डेट, ये क्या लिए, मंथ और क्या ईयर, और फिर डिस्प्ले कर रहे हैं डिटेल को, रोल नंबर, फिर नेम को, एड्रेस में हाउस नंबर दिखाएं, फिर सिटी, एरिया, फिर पिन कोड, उसी तरह से इसमें क्या दिखाएं, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अब यहाँ पे डेट दिखाएं लेकिन हम स्पेस नहीं दिए थे, ये एरर नहीं है, आप सजा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे स्पेस हम थोड़ा दे देते हैं, तो अब दिखाते हैं कंट्रोल प्लस एफ नाइन, दिखा रहा है, तो अब क्लियर दिख रहा है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर 5, नेम राहुल, एड्रेस 5 क्या है, पिन, ये हाउस नंबर, हजारीबाग क्या है, सिटी मटवारी, एरिया और पिन कोड तो दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ में 7/1/2000। थैंक्स।